मुश्किल कुशाए शेर खुदाए कान सखाए जाने अताए आने हयाए मस्तरे वफाए सैयद लौलियाए वाहर से नमाए क्या बात है ताली वार से नमाए ताजदारे हलत आए जो मुश्किल कुशाए जो अली उल मुर्तजाए नहीं नहीं मैनू इंजा कर दो मैं उस अली दा जिक्र पे करना जिदा जिक्र खुदा करे ओ मुस्तफा जिदा
नहीं, सिदरत मुंतहा दे वसनीका दी गल नहीं है, अर्श आजम है। मेरे आका फरमांदे ने मैं महसूस कीता है कल्ला तन्हाई है, सफर लंबा है, मालिक दी बारगाह दस्ते अंदर पेश होना है। आ फरमांदे ने मैं जरा तन्हाई महसूस कीती, आवाज आई सोणिया परेशान ना। गुलामां ने पुछिया नाल पाला हाले भी नहीं, मैं तकरीर
ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਅਲੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਸੁਮਾ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਰਾਤ ਕਦੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਠਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲੀ ਝੂਠ ਪੇ ਬੋਲਦਾ ਅਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਗਿਆ ਘਰ ਘਰ ਗਿਆ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਛ ਹੈ ਲਿਆ ਪਕਾ ਦੇਵਾਂ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਮੱਛਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਬਣਵਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੱਛਲੀ ਬਣਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨਾ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਲੇ ਆਦਮੀ ਫਰਮਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਲੀ
कि मैं बच जावे सही जुमला मेरा माशाल्लाह अली 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 तेरे विचों में सरकार ने फरमाया ना अली क्यों मिन्नी माना मिना अली अली मेरे विचों मैं अली दे विचों अना वाली शिमन नूर वाहिद अली तमें मोहम्मद नूर एक के अना वाली शिमन नफ्स वाहिद अली तमें मोहम्मद जान एक के अना वाली शिमन शजर वाहिद अली तमें मोहम्मद के दरख्त विचों है अंता खी फि दुनिया वल आखिर अली मेरा इत्थे भी भाई है उत्थे भी भाई है अनजर इला वजह अली इन बाद अली दा चेहरा वेखना इबादत है अनजर इला अली इन बाद अली नु वेखना इबादत है शिक्र अली इन बाद करना इबादत है लजपाला करे फरमाया अली मेरा गोश्त है अली मेरा जिस्म है अली मेरी रूह है अली मेरी जान है मेरे हाल में फरमाया मेरा महबूब अली 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 तेरे बिचू है वहुवल अली अल अली मैं खुद अली हां वाह 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 अच्छा जिन्हें बंदे रुकावट चढ़ी होंगे भी अली अली नहीं करना ये अली तो अल्लाह का सिफाती नाम भी है जी अल्लाह अकबर तवज्जो फरमा जिक्र अली इबादत एक बार जागो मेरे नाल बोलो वो राजदार खफी जली है जिधर भी देखो अली अली सिर्फ इसे दुनिया की गल नहीं पे करदा अल्लाह का कुरान बिस्मिल्लाह कयामत वाले दिन ऐलान हो जाएगा इन्हां नूं खड़िया कर लो रोक लो इन्हां कोलों पुछिया जाएगा सुभान अल्लाह इन्हां दी तलाशी होगी पिछे नमाजा चेक हो गया रोजे चेक हो गया माल चेक हो गए कबूलिया दी मोर लग गई माला हुण की चेक करना है जरा सरकार ने आए पढ़ के गुलामन सुनाई ए पुल सरात दे पैर रखण तू पहले ए रोकया जाएगा रुक जाओ इत्थे खड़े हो जाओ तुहाडे कोल कुछ पुछया जाना है सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला ने मजमईन अर्ज करदे ने लजपाला इत्थे पुछया की जाना है जदा रोज इन्हां दे कोल नमाजा इन्हां दे कोल हज्जा इन्हां दे कोल सदका तो खैरात दे नेकियां इन्हां दे कोल नेक अमाल इन्हां दे कोल ते वड्डियां वड्डियां पंडा नेकियां दियां सिर ते हुण इन्हां कोल पुछया की जाना है हजूर मुस्करा के फरमांदे ने अमला खैबर दे विच जदा मुसलमाना दी जमात जाती सी ना मरहब दे मुकाबले शायद मैं ये नवा जुमला अर्ज कर रहा मरहब किले तो बाहर ही ना आंदा लड़ना मेरी तोहीन है
تے جدا علی آئے سبحان اللہ پھر مرحبا آیا تے علی دی تلوار دا ایک جھٹکا ہی نہیں برداشت کیتا جنگ رمل پڑھ کے ویکھو کیڑی جنگ کہہ گیا رمل جمل نہیں رمل رمل جنگ رمل جو سرکار نے کافران دے واسطے یہودیاں دے واسطے لشکر بھیجے نا پہلا لشکر میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی معیت کے اندر بھیجے سبحان اللہ آپ تشریف لے گئے لڑے کافی صحابہ شہید ہو گئے زخمی ہو گئے کافران کا بال بھی نہ ڈنگا ہوا آگے واپس یا رسول اللہ میرے واسطے گل نہیں دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے آقا نے بھیجیا بڑا بڑا لشکر دے کے وہ بھی ناکام ہو کے واپس آ گئے تیسرا لشکر سرکار نے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑا جنگی مہارت رکھتا ہے اس کے لیے میں گلو تو میں چھکے چھڑا دے سا پر میں ٹھیک ہے گئے یہ بھی ناکام واپس آئے بلکہ اپنے بندے مرا کے آئے زخمی کرا کے آئے چوتھی مرتبہ میرے آقا نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ ایسے والی تو جانے پریشان ہو گئے نا پریشان ہو گئے نا میری گل سبحان اللہ سبحان اللہ ایشوری تو جی آپ سو میں حاضر کتنی فوج گلا لجپالا علی تو فوج کی لوڑ ہی پھر بھی آپ نے میرے آقا نے کافی لشکر نال بھیجے اور اس لشکر کے نال دوبارہ حضرت عمر بن العاص بھی گئے جدا یہ حملہ کرنے لگے نا عمر بن العاص نے مشورہ کیتا تے میرے آقا نے سختی نال پورے لشکر نو یہ حکم فرمایا جیویں علی آکھے تو سوں نہ کر کوئی بھی علی دی مخالفت نہ کرے علی دی اطاعت کرنی کوئی بھی علی تو اگے قدم نہ رکھے تھی تھوڑے بولنے میں اگلے لفظ چھپاؤں گا لیکن میں آکھنا پیا کوئی بھی علی تو قدم اگے نہ رکھے ماریا جائے گا کوئی بھی علی تو پیچھے نہ رہ جائے ماریا جائے گا یہ تو مطلب ہے جب علی تو اگے وہ بھی ماریا گیا جا پیچھے وہ پیچھے تو مراد تے اگے تو مراد ہے جڑا علی نو چھوڑ دے تے گل دل تے لکھ لو جڑے علی نو چھوڑ دے علی دا جانا کچھ نہیں کیونکہ علی ہے ایسے سال بھی شاید پتہ نہیں بولتے پہ کوئی نہ بول لو پھر بھی علی کوئی بول لو پھر بھی علی کوئی مننے پھر بھی علی کوئی نہ مننے پھر بھی علی کیونکہ علی علی ہے ہر پاسے علی علی ہے جتھے ویکھو علی علی ہے ہر ایک دی زبان تے علی علی ہے علی علی ہے یہ بات دل تے لکھ لو جن نے چھوڑنا ہے نا علی نو علی دا جانا کچھ نہیں تے مڑوں دا رانا چوتھی مرتبہ مولا کائنات عمر بن العاص نے رشک مشورہ دیتا اس نے کہا جی آپ تو سجے پاس حملہ کریے کھبے پاس حملہ کریے وہ جی اس سے راہ تک اسی بھی گئے ہیں جس راہ تے تسی جا رہے ہیں اسی ترے مارے گئے تے بندے مرا کے آئے تے پریشان ہو گیا اس راہ تے تو تھوڑے دے راہ بدل لو تے حملہ کریے تو مولا کائنات نے فرمایا میں علی ہاں میں صرف زمین دے راہ نہیں میں وہ راہ بھی جا رہا اللہ اکبر تو ایتھوں دی گل پہ کرنا میں اودلے راہ وی جاننا اچھا ایک کوئی نئی گل سن بچے میرے توجہ کریں اے جتنی سڑکاں ہیں نا بڑی ہیں دنیا ان ساری سڑکاں دا نقشہ علی بنایا او من جا میری گل علی دے بغیر نا کوئی بھی نہیں لبدا واہ 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 راہ اس نے لبنا ہے
ਦਿਓ ਕਦੀ ਉਦਲੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਆਪਨੇ ਉਮਰੂ ਬਿਨ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਈ ਵਾਰ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਅਲੀ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ अपने फरमा पहले मेरी गल सुन ला पहली गल बंदे का पुत्र बन जा मेरे नबी का कलमा पढ़ ला मैं कौन नहीं पढ़ना चलो ठीक है फिर आपने फरमाया मैदान छड़ जा जा चला जा उस आखे तो मेरी ये बड़ी वड्डी तोहीन है मेहनत अरब दी औरतां ही मेहनत ताने दे छन मरद तो वेख जिहड़ा भज आया मैदान च ओ जिहड़ा मैदान च भज आया मरद कोई नहीं हुंदा ओ मरद कोई नहीं हुंदा ने हो सके अली तू हमला कर पहले मैं हमला किया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दियांगा मैं माफी नहीं देनी भी तू अली मौला कायनात ने फरमाया तू पहले हमला करना मता तेनू ए शौक ना रह जा ए तेरे ख्वाहिश ना रह जा जे मैं पहले हमला लेंगा कर ते मैं अली दे टोटे टोटे कर छड़ा फरमाया कर हो सके टोटे ते मैं करना भावे पहले हमला करा ते भावे पीछे मौला कायनात ने फरमाया तू पहले ए शौक पूरी कर ला मुड़ हो सिद्ध कर तेरे कब्जे चा तू मैं मार छड़िया मेरे सीने तू उतर गया क्यों मैं तेरे मुंह ते थुकया तेन ज्यादा गुस्सा चढ़िया अपने फरमा ज्यादा गुस्सा चढ़िया तो छड़ दिता हूं गुस्सा मेरा है अगे मैं तेन अल्लाह की रजा वास्ते कतल पे कर ला चौथी मरतबा मौला कायनात नूं फिर लश्कर दे के भेजिया अच्छा कह सुबह दे निकलदा ही पिया काफिर हथी आ गए आपने नहीं फरमाया इन्हें हमला कर दो कोई सुता पिया कोई अपनी इबादत पे करता है कोई नाश्ता पे करता है कोई बैठा है चाहे दस ना जो यरगमाल बना लेंगे गिरफ्तार कर लेंगे या कतल कर देंगे ना ना अली ने फरमाया खबरदार कोई बंदा आगे ना बधे वाला करना की है काबू च आ गए उभरों मेरे लाश को तो बड़ा ही गुस्सा ना बेगे सीटने बंदे मरा गए तो मैं जितने का बदला ले लवा मौला कायनात ने फरमाया ना इंज नहीं करना मौला करना कि जंगे रमल पढ़ के मौला कायनात ने काफर सदे हत्र खड़े हो जाओ काबू हो जाओ जेरा कुछ करना नहीं कर लो मैं अली आ गया हाँ अच्छा जंग फतह हो गई जंगे रमत फतह हो गई कई कुफार मारे गए कई गिरफ्तार हो गए जदा जंग फतह हुई ना ते अली घोड़े तो उतरे सजदे सिर रख के रो रो के बैठण वाला तेरे शुक्र क्या बात है उधर अली ने सजदा शुक्र अदा किया है उधर मदीने च मेरे आका ने सहाबा नु ऐलान च किया है सहाबा तुहानू मुबारक होवे जंगे रमल फतह हो गए ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ
कोई ऐसी मखलूक नहीं, कोई ऐसी जिंस नहीं, ये रब्बी साड़ी बेड़ी लह गई किनारे अपने घर पैदा फरमाया जिन्हें हथां ते चा के अपने लाल मुबारक की गुड़ती दी। खबरदार, अली नाल मोहब्बत जो है एक ईमान दी दलील है। एक ईमान दी दलील है। मेरे आका का फरमान सामने रखो, मेरे आका ने फरमाया अली तेरे नाल मोमिन मोहब्बत करेगा। ते जद अली नाल मोहब्बत लजपाल आका ने फरमाया मोमिन मोहब्बत करेगा, मुनाफिक अली नाल बोझ करेगा। मैं अर्ज कर गया, टाइम थोड़ा और बचाइए टाइम। हर जिंस अली का एहतराम करती। चलो कोई गल नहीं, नहीं बोले। हर फसल अच्छा, तुम वे चावल बड़ा इस्तेमाल होंगे, चावल बड़ा इस्तेमाल होंगे खसूसन साड़िया महफलों के अंदर। जिक्र हुसैन हो गए, लंगर की होंगे, मिलाद हो, ग्यारहवीं शरीफ हो, खीर भी चावल ही बनती, हौली बोल लेने चावल। इसकी की वजह, जब अल्लाह ने इन फसलों से मौला कायनात की विलायत पेश की, इन चावल सब तो पहले लब्बा है पाके। जिस चीज ने अली की विलायत का इतराफ नहीं किया, जेड़ी शह भी कौड़ी है, बंदा भी तो कौड़ा है। चलो तुम नहीं बोले तो मैं मजबूर हो गया, मिला वो कौड़ा भी है ते कोड़ा भी है। नारे हाजरी, वो जितनी मर्जी करीमा ला लवे, लिपस्टिक ला लवे, मेकअप करा लवे, जी जेड़ा मर्जी चिट्टा हो लवे, वो कौड़ा भी है ते कोड़ा भी है जी। क्योंकि उसके दिल के अंदर पुगसे अली वाला कोड़ है। ये कोड़ हटे रंग का काला भी होवे, अली दी मोहब्बत जिद च होवे ते हूरा मनता मंदी ने मौला बिलाल तो सब च। वाह 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 वाह। ते बंदा चिट्टा भी होवे ना ते अली दी मोहब्बत में दिल च होवे। अल्लाह अकबर। मौला कायनात बयान पे फरमावन के आपकी मजलिस से एक बंदा वो उठ के खड़ा हो गया ते वो मौला कायनात ते ना इल्जाम तराशी करने लगा। फलां जगह से अदल नहीं किया, फलां जगह से तुसा पूरा नहीं तोलिया, माजल्ला सुमा माजल्ला। मौला कायनात ने फरमाया अली पूरा नहीं तोलना तो कह पूरा तोलना है, अली अदल नहीं करना तो कह करना है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं तो हाले झूले के त्रों चौदिया का सारा हाँ, मैं तो सप न भी मारिया तो अदल न मारिया, अगले तोल के डिठा अद्धा पासा इधे आते अद्धा इधे। जिस नवे कुत्ते पुराने कुत्ते वेखण कभी वेख नहीं पे होता, हशर की होता है जिदे जिदे जावे शहर के कुत्ते भी होंगे मगरे, बंदे भी होंगे मगरे, भी कि बच्चा भी है कुत्ते खा जस जे वे पे जिन्होंने सामने उनकी शक्ल बदली घर जा बढ़िया। अगों की बीवी बैठी उस जना सोटा चावल धुर धुर जो है कि कोई ना मैं मैनू कौन फर्क पौना कार अली नाल दुश्मनी धरू भी धुर धुर उसे तू बचना चाहना है ना, हर पास धोर धोर हो बचना चाहना है। अली दी नौकरी कर, घर वाले की फरिश्ते भी तेरा हजा कर से, फरिश्ते भी तेरे सलाम कर से। वो बीवी मुतार चाह ले धोर धोर कुत्ता अंदर मगर बंदा को ना, बीबी ये कुत्ता नहीं ये तेरा खाने दे। अली
ਨਬੀ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ। ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਏ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਏ ਕਿਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਿਆ। आखिरी जुमा जुमा तुल विदा रमदान मुबारक शरीफ है।
अल्लाह अकबर। 18 रमजान मुबारक शरीफ हालात बस पइए कबूलियत दी मोहर लग गई। 18 रमजान मगरब दी नमाज दा टाइम, रोजे दी इफ्तारी दा टाइम, अली अपनी बेटी दे घर इफ्तारी दे वास्ते रो पैने तो मैं गल हूँ सजे खबे नहीं करूंगा क्योंकि ये आंसू ही कबूलियत निशानी है। दिल से लिख लो ये आंसू जड़े कबूलियत बन के ये मिलते ही इसे घर तो। सलामत रहो सलामत रहो। इतने खुला मैं आप कई बंदे ना विडप लेंगे गल करेंगे भाई धी दे घरों खाना पीना जड़ा ना वो तो हराम। मैं तो इतनी धी के घर कभी पानी नहीं पीता। मैं तो धी के घरों भाई पानी भी धी के घड़े का नहीं पीना चाहिए। अली धी अल अफतारी पे कर दे तू अली तू वड्डा गैरत मान ले। ये धी का हक भी उन मौका मिल रहा तो सीख दिए ने मापे गार में जी। ये धीया के हक ने तो धीया हक दिते करो जी। अली धी वाल एक एक अफतारी पुत्रा ने करता है अली एक अफतारी धीया ने कर। अवतारी का टाइम दस्तरखान लगा पे आए दस्तरखान वेखो अली का केडा वड्डा जिस दस्तरखान से कैनात पलती पई खुद अली की पे खांदा थोड़ा जे नमक पे खजूर पे कैनात फरमाते ने बेटी खजूर चाल है नमक पे आ रहे हैं मैं अली आए एक टाइम में दो चीजा नहीं खांदा तकलीफ महसूस कर दिया ने कोई नहीं करता है जी। शरबत बना के लियाए बाबा गर्मी डाढ़ी है रोज दी अफतारी है शरबत इस्तेमाल करो। अली ने इनकार नहीं किया है शरबत पकड़ लिया है मतलब धी का दिल दुख जावे दीदी दिलादारी ना हो शरबत लिया पकड़े पकड़ के फरमे दिन हूं शरबत मैं ले लिया हूं मेरा है ये संभाल के मेरी अमानत करके रख छड़ बाबा क्यों फरमा कल कोई मेहमान। क्या बात है क्या बात है। रात आ गई 19 जी अफतारी हो गई 19 रमजान भाई हूं तुसा मेरा साथ देना मेरे नाल बोलो थोड़ा जे मैं जल्दी बात करें क्योंकि बहुत टाइम बहुत हो गया। अल्लाह अकबर 19 रमजान में रात इबादत पे गुजर दी है अर्धी रात का टाइम है अली हुजरा इबादत अंदर ने दस्तक हुई है पूछे कौन आवाज आई बाबा मैं हसना बोले कहना फरमे दिन मेरा लाल खैर हुए अर्धी रात मिल आए बाबा कौन धीमी जी आवाज आई तेरे बच्चों की
हाय
ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾ ਗਈ ਲੈ ਆਸਰਾ ਤ੍ਰੈ ਭਰ ਜਾਣਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਹਸਨੈਣ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਜੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਦੇਵੋ ਕੂਫੇ ਦੀ ਬਦਲ ਸ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਅਲੀ ਨੇ ਫੌਰਨ ਫਰਮਾ ਹਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਹਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੋਵਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਆਈ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਕਿਆਮਤ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਆ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੀਟ ਹੋਣ ਤੂੰ ਬਚਾ ਆ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਸੱਦੇ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏ ਵੀਹ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕਾਤਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹਾਂ ਬਸ ਮੁਕਾਈਏਗਾ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣੀ ਅੱਲਾਹ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਬਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਆਪ ਭੈਣ ਕੋਲ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰੱਖਵਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਸ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਤੀ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਉਸ ਕਾਤਿਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਦਬਖਤ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਡਾਚੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਬਦਬਖਤ ਆਵੇਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਰਬਤ ਜਾਮੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਬਾਸ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਅਕਦਸ ਦੀ ਰੌਜ਼ਾ ਅਤਹਰ ਦੀ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਹੈਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਬਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਰੋਹ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ
जवान बच्चिया बच्चे कट्ठे फिर रहे, किसी के जेहन च नहीं आती भी किसी ने मोढ़ा मार लगे उसे जाए कोशिश करनी उन्हें मोढ़ा नहीं रहा जाए किसी ने हाथ बताने मेरे भी कि मैं क्यों ला है आखूंगा जाए किसी ने हाथ बताने ना ये खराब नीयत ना उनका हाथ नहीं रहा भावे उनके अपने हाथ को जी पिछलियां जलालियां वाला ऐ शब्द पेश किया मैं रोजा जल्दी 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 मैंने दसना ने सवाल है मेरे जल्दी ना जवाब दो जल्दी जुमा पूरा हो जाए आखिरी जुमा जे जिंदा रहता अगले साल तक मेरा जुमला भी याद रहे रोजे जेड़े ने एक काफिर रख दें या मुसलमान सारे बोलो भाई जल्दी ना कौन रख दे गुजर गई अलविदाई गल्ला करा नसीहतां वसीहतां करा सारियां नूं बुला लिया धीआं भी आ गई पुत्र भी आ गए एक दूसरे नूं एक दूसरे दे सपुरद फला फला दे सपुरद फला फला दे सपुरद मुड़ सारे हसन दे सपुरद मुड़ सारे हुसैन दे सपुरद अल्लाह अकबर दीन बुलाए जेड़ी हुसैन दे सफरां दी साथी ज़ैनब करीबा जी बाबा फरमाया मेरे सामने आए पहला मौका है जदा धी बाप दे सामने चादर हाथ बाहर समझ गया ने जरा चादर तू हाथ बाहर आए ने अली धी दे हथां नूं चुमे आए श्याम दिया तंग गलियां श्याम दे बा
काश पई बात तमाम हो गई है ईद फितर पर चार कीते सुभान अल्लाह ते आई लाल के रियात सारी اللہ کریم میری تواڈی حاضری قبول فرما اللہ